व्हाट्स अप गाइस, तो एक बंदे ने मुझे मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे और उसने कहा कि सर मैं ब्लॉगिंग करना चाहता हूँ, ब्लॉगिंग से पैसे कमाना चाहता हूँ। मैंने कहा कि और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बहुत जल्दी पैसा अर्न करके दे सकती हैं, बट उसका ये था कि सर मैं लिखने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हूँ, मुझे ब्लॉगिंग पसंद है, मैं यही करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ, कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, कैसे ब्लॉगिंग को डोमिनेट करूँ। दोस्तों आज की वीडियो में मैं इसका आपको सॉल्यूशन देने वाला हूं कि आप, मैं और कोई भी जो भी बंदा इंटरेस्टेड हो इन राइटिंग, इसको लिखना पसंद हो, ब्लॉगिंग करना पसंद हो, तो कैसे आप कौन से टॉपिक को, राइट, मैं टॉपिक की बात करने वाला हूं, मैं ये नहीं जाके बताने वाला कि blogger.com में जाओ, वहां अपनी आईडी बनाओ, देन वहां पर ब्लॉग लिखना स्टार्ट करो, मैं ये नहीं बताने वाला। मैं आपको ये चीज बताने वाला हूं कि आप कौन से टॉपिक को उठा के ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं और इजी उसको डोमिनेट कर सकते हैं, एडसेंस से बहुत अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। बिकॉज ब्लॉग जो है वो ऐसा है कि वो लाइक उसमें आपको थोड़ा ट्रिक्स यूज करना पड़ता है लोगों को बताने के। मैं बहुत ज्यादा ब्लॉगिंग नहीं करता, बट जब शुरू में मैंने स्टार्ट किया था तो उस समय मैंने ब्लॉगिंग से भी अर्न किया है, बिकॉज मैंने सिर्फ ब्लॉगिंग को अर्निंग के लिए यूज किया है। मैंने कोई पैशन या ब्लॉगिंग से प्यार करता हूँ इस टाइप का मैंने कुछ काम नहीं किया है। तो मैं आपको वो आइडियाज बताऊंगा जो मैं यूज करता था उस समय जिससे मैंने अर्निंग की थी। लेट्स गो। सो द क्वेश्चन इज गाइस कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लोगों को समझ नहीं आता कि कंपटीशन के दौर में ब्लॉगिंग कैसे करें, और वैसे भी वीडियो मार्केटिंग जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर उभर रही है, तो उस इस समय ऐसा है कि लोग ज्यादा ब्लॉग पढ़ना पसंद भी नहीं करते, तो कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है, बिकॉज लोग पहले से ही ब्लॉगिंग में उस्ताद हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप एज अ न्यू बिगिनर ब्लॉगर कैसे उनको बीट कर सकते हो। गाइस तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर मैं ये चीज बोलूंगा तो बहुत सारे लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि कीवर्ड्स से हम उनको बीट कर सकते हैं, राइट। कीवर्ड्स के बारे में सब कोई बताता है, आपको बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे यूट्यूब पे, राइट, बट राइट जो बहुत सारे लोग आपको बता रहे हैं, मैं वो बताने वाला हूँ, वो आइडियाज बताने वाला हूँ जिससे आप फटाफट रैंक कर सकते हैं और काफी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं ब्लॉगिंग से, एडसन के थ्रू, और एफिलिएट उसमें बहुत सारी चीजें और भी आप ऐड कर सकते हैं आगे, बट अभी ब्लॉगिंग। तो राइट, यहां मैंने एक पेज खोल कर रखा है, और गाइस आप दो चीज कर सकते हैं, आप एक चीज आता है कीवर्ड्स एवरीवेयर, ये फ्री एक्सटेंशन है गूगल का, गूगल क्रोम का, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जब भी आप कोई चीज सर्च करेंगे तो यहाँ पर दिखाएगा कि उसका क्या रैंकिंग है, कौन सा कीवर्ड है, तो इससे भी आपको हेल्प मिल जाएगी, राइट। तो सो मैं यहाँ पर लिख दूं टेक्नोलॉजी न्यूज, अगेन वही कीवर्ड्स का खेल, बट मैं अभी कुछ सोचना आपको बता रहा हूँ कि सोचते कैसे हैं ब्लॉग बनाने के लिए, राइट, वो मैं एग्जैक्टली आपको बताना चाहता हूँ, बट कहीं ना कहीं आपको कीवर्ड रिलेट करना होगा, बिकॉज कीवर्ड इज द गेम ऑफ ब्लॉगिंग, राइट, आपको ही पता होगा अगर आप SEO जानते हो तो, राइट। सो अब जैसे कि मैंने लिखा टेक्नोलॉजी न्यूज, तो यहाँ पर देखो कुछ वेबसाइट्स के नाम आ चुके हैं, राइट, और इसमें बड़े बड़े वेबसाइट भी हैं, लाइक जैसे कि gadget.ndtv.com और ऐसे बहुत बड़े बड़े, राइट, बट अगर बस यही मैं न्यूज को हटा देता हूँ तो इसमें कौन से वेबसाइट्स आएंगे जो कॉमन से भी बाहर है, राइट, जो कुछ कुछ लोगों की वेबसाइट है जिन्होंने आर्टिकल डाले हैं तो उनकी वेबसाइट रैंक कर रही है। मतलब कि यही गाइस कि आपको कुछ ऐसा सोचना है लाइक कोई प्रीफर टेक्नोलॉजी, राइट, अगर अभी मान लो लॉन्च होने वाला है iPhone 12 Pro Max, तो आप इसके ऊपर ब्लॉग लिखो, जब आप इसके ऊपर ब्लॉग लिखोगे तो ये कंपटीशन से बाहर होगा। अभी यहाँ पर बहुत सारे लोग ने नहीं बनाया होगा ब्लॉग, देखो अभी बहुत सारे लोगों ने ब्लॉग नहीं बनाया, राइट, ये सब उन लोगों की साइट है जो इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं। 91mobiles.com बहुत ज्यादा हिट है इंडिया में, राइट, आप लोगों को भी पता होगा इसके बारे में, तो ये यहाँ पर रैंक कर रहा है, बट तीसरे नंबर पर रैंक कर रहा है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग फोन्स है, राइट, यहाँ पर देखो माई स्मार्टफोन प्राइस, ये भी एक बंदे का और इंडिविजुअल, तो ये सारी चीजें यहाँ पर रैंक कर रही है, क्यों, क्योंकि उन लोगों ने एक अलग से टॉपिक सोचा। अब ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, सकता है 12 में भी जैसे कि यहां पर कंपटीशन आ गया तो आप सीधा 13 के बारे में लिखना स्टार्ट करो। हाँ, ये तुरंत फायदा आपको नहीं देगा, बट हाँ एक साल के अंदर अंदर आपको बहुत ज्यादा फायदा, सर्च किया है एक सेकेंड, आपको सबसे पहले वो चीजें आ रही हैं जहां लोगों ने ऐड लगा के रखा है तो वो ऊपर आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद जहां आपको पता है कि naukri.com बहुत बड़ी कंपनी है, राइट, इन लोगों के लोग बैठे रहते हैं SEO करने के लिए डे नाइट। फिर उसके बाद इंडेड, ये भी बहुत बड़ी कंपनी है, राइट, बट उसके नीचे जाओ और नीचे जाओ तो यहां पर आपको दिखेगा, यहां पर सिंपली हायर्ड, राइट, ये सब कुछ कंपनीज हैं अलग अलग जो बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, साइन हो गया, तो आप इनको इंडिविजुअल्स बोल सकते हो, कुछ इंडिविजुअल्स इनको ऑपरेट कर रहे हैं, बट अगर आपको इनको भी बीट करना है तो आप क्या कर सकते हो, आप मान लो रहते हो दिल्ली में, मान लो मैं रहता हूँ रायपुर में, तो जॉब्स इन रायपुर, राइट, तो जैसे जॉब्स इन मैं रायपुर लिखता हूँ, सॉरी यहाँ पर ई को कट करते हैं,
तो जॉब्स इन रायपुर जैसे लिखता हूँ तो वहां मेरा कॉम्पिटिशन 100% से सीधा 10% हो जाता है, राइट। अब आपको देख सकता है, आप देख सकते हो कि यहाँ पर naukri.com इन नीडेड ये सिंपली हेड है, बट अगर आप यहाँ पर रायपुर में जहां पर भी आप रहते हो वहां से कोई ब्लॉग बनाते हो और सिर्फ रायपुर की जॉब डालते हो, मतलब अपने आसपास के, मान लो रायपुर में कोई एरिया है रायपुर इन शांति नगर, ठीक है, जॉब्स इन रायपुर इन शांति नगर, ठीक है। तो अब आप और नीचे सब नीश के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, मैं उसको टेक्निकल वे में नहीं लेके आपको इजी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सब नीश जो होता है, जो अंदर 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 और नीचे नीश को और क्वालिफाइड कर करके अंदर घुस जाते हैं, तो वैसे आप धीरे 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 अंदर घुस जाओ, राइट। जितना ज्यादा अंदर घुसोगे उतना ज्यादा कॉम्पिटिशन कम मिलेगा। अब यहाँ पर देखो सारा कॉम्पिटिशन आपका हट गया, राइट। अब यहाँ पर आ गया workindia.com.in, राइट। अब आप देखो ये सारी चीजें नीचे चली गई, तो आपको कैसे सोचना है, ऐसे सोचना है कि उसके बारे में कोई सोचता ही ना हो। अब मैं एक बहुत अच्छा आपको एग्जाम्पल दूंगा जहां हो सकता आप हजारों लाखों रुपए कमा लो, क्योंकि अभी कुछ 2-3 महीनों के अंदर अंदर, क्योंकि ये होने वाला है, राइट। कैसे वो बताऊंगा। और इसके बाद एक बिग बॉस शो आया था, बहुत ज्यादा फेमस शो, तो यहां पर कई लोगों ने हजारों रुपए कमाए। इवन मेरा एक फ्रेंड है जिसने लाखों रुपए कमाए सिर्फ बिग बॉस के ब्लॉग से। क्यों? क्योंकि बिग बॉस एक बहुत ज्यादा पॉपुलर शो है, उसने बिग बॉस के बहुत सारे अलग अलग आर्टिकल्स लिखे, उसके ऊपर आर्टिकल्स लिखे, कई सारा आर्टिकल हिट हुआ, उसने एफिलिएट किया, एडसेंस से पैसा कमाया, काफी अच्छा पैसा उन्हें कमाया 3 महीने में, राइट। बट अब देखो क्या होगा, अब बिग बॉस खत्म हो चुका है, बट बिग बॉस के कुछ सेलिब्रिटीज हैं जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए, लाइक आसिम रियाज हो गए, रियाज, हिमांशी खुराना, राइट, एंड जिसने सिद्धार्थ शुक्ला जो जीता था बिग बॉस, राइट। तो ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनके बारे में लोग जानना चाहते हैं, मॉडल्स हैं जिनके बारे में लोग जानना चाहते हैं, तो आप उनको पकड़ पकड़ के कुछ चीजें बना सकते हो। देखो यहाँ पर यूट्यूब की वीडियोज भी रैंक कर रही है, राइट, अभी तक रैंक कर रही है, स्टिल रैंक कर रही है, वाई, क्योंकि स्टिल लोग इनको ढूंढ रहे हैं, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, आप भी ऐसे कुछ सोचो कि लोग उसके बारे में सर्च कर रहे हो। अब मैं आपको एक अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आप मतलब इंस्टेंटली ब्लॉग स्टार्ट करके इंस्टेंटली पैसा अर्न करना चाहते हैं, तो अब आ रहा है आईपीएल 2020। देखो हाँ, मैं मानता हूं कि बहुत सारे लोग पहले से इसके लिए रेडी हैं, उन लोगों ने ब्लॉक लिख रखा है, उन लोग मार्केट को कवर करने के लिए रेडी हैं, बट अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी 1 महीना पूरा बाकी है। तो आप क्या कर सकते हो, आप भी अपना एक आईपीएल या क्रिकेट से रिलेटेड कोई भी ब्लॉग बनाओ और उसमें सब नीश में, राइट, जो भी हो रहा है, जो भी डेली अपडेट्स आते हैं कि खिलाड़ी नहीं खेलेगा, जैसे कि धोनी हो गया, विराट कोहली हो गया, सचिन हो गया, ये लोग बहुत ज्यादा इंडिया में पॉपुलर है, तो इनकी टीम्स के बारे में लिखो, इनके बारे में लिखो, इनके आईपीएल मूव्स के बारे में लिखो कि आगे ये क्या करने वाले हैं, इनके कौन से टीम्स आने वाले हैं, किसको सिलेक्ट करने वाले हैं, बिकॉज लोग इनके बारे में बहुत ज्यादा सर्च करते हैं, खासकर अभी धोनी और विराट कोहली, तो इनके बारे में ज्यादा से ज्यादा ब्लॉग लिखो तो आप इजी हिट करोगे। देखो यहाँ पर कोई भी ब्लॉग जो है वो ऑफिशियल नहीं है, कोई भी ब्लॉग ऑफिशियल नहीं है, अगर मैं सर्च कर रहा हूँ तो सीधा आईपीएल 20 का आ रहा है, T20 का आ रहा है, और इसका ये आ रहा है, क्या आ रहा है, ट्विटर आ रहा है, उसके बाद जो भी ब्लॉग्स हैं सब इंडिविजुअल्स के हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर, जो भी ब्लॉग है विकिपीडिया को छोड़ के, हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज को छोड़ के, फिर उसके बाद जो भी ब्लॉग्स हैं सब इंडिविजुअल्स है, राइट। तो आप ऐसे करके प्ले करो कि आप ज्यादा से ज्यादा कोर में घुसो और उनके बारे में मतलब एक अच्छे से डिनोट करो, उनको लिखो और अंदर घुसते जाओ घुसते जाओ। जैसे कि अभी आपने विराट कोहली के अंदर घुसा, तो फिर आरसीबी जो उसकी टीम है, हैदराबाद की, सॉरी हैदराबाद बोल रहा हूँ, बैंगलोर की, फिर उसके और अंदर घुसो, फिर उसके और अंदर घुसो, ऐसे करके ब्लॉग जब लिखोगे ऐसे सोच के, तब आपका ब्लॉग तेजी से रैंक होगा। और अगर टेक्नोलॉजी में है तो ये फोन्स के बारे में जो लिखो जो बहुत समय बाद आने वाले हैं, लाइक जैसे कि iPhone 13 अभी 1 साल है, तो उसके लिए अभी आपसे लिख दोगे तो ये बाद में आपको फायदा देगा, हाँ अभी फायदा नहीं देगा लेकिन बाद में देगा। बट हाँ, अगर iPhone 11 में कोई अपडेट आता है और आपको पता चल जाता है तो आप उसके बारे में ब्लॉग बना दो, बिकॉज लोग बाद में सर्च करते हैं, राइट। तो ऐसे ही आप आईपीएल में खेलो, टेक्नोलॉजी में खेलो। मैं इन चीजों को क्यों काउंट कर रहा हूँ, जॉब्स को क्यों काउंट कर रहा हूँ, क्योंकि इनका बहुत ज्यादा हाइप अप है मार्केट में, लोग बहुत ज्यादा सर्च करते हैं। अगर मैं कीवर्ड्स की बात करूँ तो आप यहाँ पर कीवर्ड्स डाल के यहाँ पर देखो तो आपको पता चल जाएगा। देखो अभी सबसे ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं आईपीएल 2020 शेड्यूल के बारे में, तो आप शेड्यूल में भी अपना कुछ ब्लॉग लिख दो, कुछ शेड्यूल में बदलाव हो रहा है वो लिख दो, ऐसी चीजें आप लिखोगे तो आपका रैंक करेगा, राइट। फिर उसके बाद शेड्यूल पीडीएफ, फिर प्लेयर लिस्ट, टीम स्क्वाड, ये सब के बारे में लोग बहुत ज्यादा सर्च कर रहे हैं, राइट। तो ये सारी चीजें आप कीवर्ड्स यहाँ से देख सकते हो, कीवर्ड्स प्लानर से देख सकते हो, कीवर्ड एनीवेयर से देख सकते हो, और बहुत सारे ऐसे टूल हैं
एसईएम रस है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां से आप कीवर्ड्स के बारे में पता लगा सकते हो। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि कीवर्ड्स के ऊपर बहुत सारे लोगों ने वीडियो बना के रखी है, तो मैं आइडिया आपको बस देना चाहता हूँ कि ऐसे करके ब्लॉगिंग में सोचते हैं और आप उससे अर्निंग कर सकते हो। अगर और नेक्स्ट लेवल जाना चाहते हो तो एक चीज और है कि आप ब्लॉग लिखकर उसको गूगल एडवर्ड्स के द्वारा आप उसको एडवर्टाइज कर सकते हो, रन कर सकते हो एडवर्टाइजमेंट, उससे आपको ट्राफिक मिलेगा। हाँ, पर आपकर आपके पास अच्छा खासा पैसा है, अच्छा खासा मतलब आपने एक बजट सेट करके रखा है कि मुझे ब्लॉगिंग में ही कुछ करना है और मेरे पास इतना बजट है, तब। अगर नहीं तो ऐसे ही क्रिएटिव आइडियाज सोचो और आराम से अपनी चीज को रैंक करो। अभी होली भी आने वाली है, होली का तो फिलहाल 2 ही दिन बचा है तो आप उसमें कुछ बड़ा नहीं कर सकते, बट आईपीएल में आप काफी अच्छा कर सकते हो। अभी बहुत ज्यादा टाइम है शॉर्ट टर्म में, और लॉन्ग टर्म में आप ऐसे मोबाइल्स के बारे में लिखो जिनकी सर्चेस बहुत ज्यादा होते हैं, जब वो मार्केट में आते हैं तो सिर्फ वही वही चलते हैं। ऐसे टेक्नोलॉजीज के बारे में लिखो, ऐसे गेम्स के बारे में लिखो जहां से आप काफी अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो। गाइस, यही थी मेरी एडवाइस ऑन ब्लॉगिंग। सो गाइस, ये वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट में लिख के बताओ। इस वीडियो को लाइक करो, बिकॉज आपके एक लाइक से बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है मुझे आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस लेके आने के लिए। तो मेक श्योर आप लाइक करो वीडियो को, नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करो, और नेक्स्ट वीडियो में और भी तड़ाके फड़ाके जैसी चीजें आने वाली है। सो के बैंक्स कनेक्ट, सी नेक्स्ट टाइम।